भागलपुर में होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इसी कड़ी में एसएसपी कार्यालय में डीआईजी सुजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान डीआईजी ने एसएसपी आशीष भारती से पहले चरण के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। डीआईजी ने एसएसपी से सभी बूथों का सुरक्षा के लिहाज से मास्टर प्लान बनाकर वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही। जबकि डीआईजी ने बैठक में मौजूद सभी जिले के सभी थानेदारों को सख्ती से आचार संहिता लागू करवाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने थानेदारों से चुनाव को लेकर राज्य की सीमा पर और जिला की सीमा पर विशेष चौकसी बरतने की बात कही है। इसके साथ ही डीआईजी ने बताया है कि शांतिपूर्ण माहौल में और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए बूथों पर बिहार पुलिस के अलावा बीएमपी केट ड्रेफ और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया जाएगा। देखिए भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। पर्याप्त मात्रा है इस बार, क्योंकि आप जानते हैं देश में इस वक्त केवल बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे चुनाव है, इसलिए बल के संबंध में हमें सीएपीएफ की पर्याप्त मात्रा में टुकड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस के भी बीएमपी इत्यादि की जो कंपनियां हैं वो हमारे पास उपलब्ध रहेंगी, और हम लोग एकदम फेयर पोल कराने के लिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना रखे हैं। कहीं से भी कोई गड़बड़ी अगर करेंगे तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, और अभी ही हम लोगों की कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर होनी शुरू हो गई है। इन सभी चीज़ों का उद्देश्य मूलतः यही है कि हम लोग पीसफुल और फेयर इलेक्शन कराएं। सर, सीमा क्षेत्र से शराब आने वाली बात जो है, जो थाने पड़ते हैं झारखंड सीमा क्षेत्र से, हम लोगों ने आज इस पर भी विस्तार में चर्चा की है। चेक पोस्ट की संख्या हम लोग बढ़ा रखे हैं और इसमें और फर्दर इंक्रीज करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। चेक पोस्ट जगह जगह पर लगाए जाएंगे, कुछ जगह पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाएंगे, कुछ जगह ऑलरेडी लगे हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी शराब के हमारी रिकवरीज होती हैं उसके पीछे कहाँ से ये आ रहा है उस पर विस्तार में अनुसंधान कर रहे हैं। तो गंगा के किनारे शराब बिकने की बात सामने आ रही है, कई जगह लगातार दियारा इलाकों में भी हमारी छापेमारी चल रही है। इनफैक्ट जो देशी शराब की बरामदगी है, चुलाई करने वाली बरामदगी है, वो ज़्यादा है।